नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई है, तथा शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करें, आपके दुख दर्द दूर करें, माँ पार्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे। दोस्तों मैदान फिल्म का कल ट्रेलर आया था, उसी के बारे में आज बात करेंगे। ट्रेलर को काफी माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं, यूट्यूब पर उस प्रकार के मतलब की व्यूज नहीं मिले। मतलब जब मैंने वीडियो बनाया था उस समय करीब 90 लाख के आसपास व्यूज मिले थे, सभी को मिला करके, चाहे वो जी स्टूडियो का चैनल हो या जी टीवी का हो और कोई चैनल हो, उन सबको मिला करके करीब 90 लाख मतलब कि 9 मिलियन के आसपास व्यूज मिले थे और करीब 1.5 लाख के आसपास लाइक्स हुए थे। मतलब अभी 1 करोड़ भी नहीं हुए थे जब मैंने वीडियो बनाया था। हो सकता आपके पास पहुंचे तब तक हो जाए 10 मिलियन के आसपास। तो थोड़ा कम रिस्पॉन्स जरूर मिला है, लेकिन ट्रेलर बहुत जबरदस्त था। मैंने जितने भी रिव्यूज देखे हैं, तो बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही जबरदस्त रिव्यूज मतलब इसको दिए गए हैं। सभी ने कहा कि अजय देवगन सर का जो अंदाज है, जिस कोच की भूमिका में सैयद अब्दुल रहीम के जो किरदार में है, वो बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और बोनी कपूर का जो ये प्रयास है और अमित शर्मा का जो डायरेक्शन है, तो गुजबम से बहुत ही बेहतरीन ये फिल्म बनी है, बायोपिक बनी है। किसी ने इसकी चक दे इंडिया से तुलना की है कि ये शाहरुख खान की हॉकी थी चक दे इंडिया और अजय देवगन सर की फुटबॉल है। और इसी श्रेणी में आप गुमर को भी रख सकते हैं, जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी कोच के किरदार में थे। हालांकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में चली नहीं, ज्यादा उसका प्रचार प्रसार था नहीं। तो एक स्पोर्ट्स बायोपिक है लेकिन काफी अलग लग रही है। फुटबॉल की दीवानगी देखी जाएगी, विशेषकर कोलकाता, चेन्नई, इधर ये जो केरला वगैरह, यहाँ पे काफी ज्यादा, गोवा वगैरह, यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब फुटबॉल को पसंद किया जाता है। तो भारत का जो स्वर्णिम काल था 1952 से 1962, उसकी कहानी बयान करती है। काफी अच्छे डायलॉग्स है, और तुम मैदान पे 11 रहोगे लेकिन दिखने एक चाहिए, ऐसा कुछ डायलॉग है जी देवगन सर का, काफी अच्छा डायलॉग है। और किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किस तरह से टीम परफॉर्म करती है, किस तरह से कास्टिंग की गई है देश के अलग अलग शहरों से, गोलकीपर हमें काफ़ी लंबा चाहिए तो बहुत अलग अलग कास्टिंग है। और काफ़ी बेहतरीन ये फिल्म होने वाली है। गुजबम्स है, देशभक्ति का जोर भी इसमें उठेगा जब देश की टीम जीतती है, तो आप जानते हैं। और फुटबॉल तो वैसे भी जीवन मरण का खेल माना जाता है कई देशों में, और भारत में क्रिकेट है ज़्यादा बोलबाला आजकल, लेकिन इस फिल्म के बाद में फुटबॉल के चाहने वालों की संख्या भी बढ़ जाएगी मुझे लगता है। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ से क्लैश होने वाला है। अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ का भी ट्रेलर आने वाला है, जल्दी देखते हैं कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा दमदार करती है। लेकिन इतना जरूरत है कि ट्रेलर आने के बाद में मैदान ने बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सामने एक जबरदस्त उपस्थिति जरूर पैदा कर दी है कि हम आपको खतरनाक टक्कर देने वाले हैं। अब देखते हैं कौन सी फिल्म आगे रहती है, कौन सी पीछे रहती है, क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी जबरदस्त फिल्म होने वाली है। बहुत जबरदस्त एक्शन से भरपूर, रियल एक्शन है उसमें भी, अक्षय कुमार के और टाइगर श्रॉफ के, तो मजा आएगा इस क्लेश में। हालांकि नुकसान दोनों को होगा। आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में? ट्रेलर को ज्यादा व्यू और मिलने चाहिए थे, क्योंकि ट्रेलर वाकई बहुत ही जबरदस्त है। खैर देखते हैं क्या आगे होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।